हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कुलदीप कौशिक आपके लिए बहुत अच्छा एक व्लॉग लेके आया हूँ। आज मैं जा रहा हूँ अपनी टाटा सफारी की पहली सर्विस कराने के लिए। मन ही मन में मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे टाटा की सर्विस के बारे में काफ़ी डरा रखा है कि टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है। तो मैं आज जा रहा हूँ टाटा की सर्विस, और मेरे मन में डर ये भी है कि मेरी गाड़ी को लिए हुए हो गए हैं 3.5 महीने। पहली सर्विस जो फ्री होती है वो 2 महीने में होती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण मैं जा नहीं सका। तो अब मुझे देखते हैं कि वो पहली सर्विस को मुझे ओके करते हैं कि या मेरी दूसरी सर्विस के लिए करते हैं, क्योंकि मेरी पहली सर्विस का 2 महीने का टाइम निकल चुका है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं जितनी भी आज मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा सर्विस के रिगार्डिंग टाटा का, क्योंकि मेरे पास इससे पहले मारुति की गाड़ी थी, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, और उससे पहले मेरे पास फोर्ड की गाड़ी भी है, उसमें भी फ्रेंड्स मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन पहली बार मैं टाटा की गाड़ी की सर्विस कराने जा रहा हूं, तो मेरे मन में थोड़ा डर भी है कि पता नहीं वो मुझे कैसे एंटरटेन करते हैं, और मेरी जो मेरा 2 महीने का है, 2 महीने से ऊपर हो चुका है, पहली सर्विस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट में जरूर डालूंगा। तो फाइनली फ्रेंड, मैं पहुंच चुका हूं टाटा मोटर सर्विस आर्या, वो मेरे सामने है। रश तो नहीं लग रहा है, देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहेगा। मैं आपको उससे शेयर करूंगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा। ये मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ, ये मैंने गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, आप देख लीजिए। भाई साहब, फर्स्ट सर्विस करानी है टाटा की? जी सर बिल्कुल, मैं करा देता हूँ, आप प्लीज 2 मिनट दीजिएगा, एक गाड़ी बाहर आनी है। हाँ, मैं बैक कर लूँ गाड़ी? हाँ प्लीज, आप 2 मिनट के लिए पीछे। ठीक है ठीक है, मेरी पहली सर्विस है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं करा दूँ, आप प्लीज पीछे दीजिए। मैं गाड़ी थोड़ी आगे ले चलता हूँ, उन्होंने मुझे इशारा कर दिया है। ये मैंने गाड़ी लगा दी, एसी कर देता हूँ बंद। हाँ जी, जॉब कार्ड ले आता हूँ सर, 2 मिनट। ठीक, अब ये जॉब कार्ड के लिए। मैं टाटा के शोरूम पहुंच चुका हूं, जो टेक्नीशियन मुझे अलॉट हुआ है उसने गाड़ी की सारी माइलेज, जो कितनी गाड़ी चली हुई है, सारा का सारा वो नोट कर रहे हैं अंदर घुस के, कितना गाड़ी में फ्यूल है और गाड़ी की बैटरी। देखिए सामने एक टाटा सर्विस के लिए आई हुई है निक्सॉन, तो हॉट केक सेलिंग है इनका। ज़्यादा बड़ा ये सर्विस स्टेशन नहीं है, छोटा है अभी, तो अभी देखते हैं कि आगे क्या एक्सपीरियंस रहता है। अनिल जी मुझे अलॉट हुए हैं सर्विस टेक्नीशियन, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया है। मैंने उनको बता दिया कि मेरी फर्स्ट सर्विस है, उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा। उन्होंने मुझे बता दिया है कि हम इसके अंदर एसी फिल्टर वगैरह चेंज करेंगे, ऑयल टॉप अप करेंगे, इंजन ऑयल, कूलेंट, वॉशिंग करेंगे,
और भी इस गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो विल टेक केयर, हम थॉरली इसको चेक करेंगे। ये चेक करने के बाद मैंने उनको की हैंड ओवर कर दी और उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर आपका हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, कस्टमर लॉन्च है, आप ऊपर जाइए। मैं ऊपर गया तो ये तो सामने, यहाँ तो ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ सर्विस करते हैं, ये यहाँ पे कोई भी नहीं था, इधर भी गाड़ी की सर्विस करते हैं ये। फिर मैं दूसरे लॉन्च में जब गया तो वहाँ पे कस्टमर वेट कर रहे थे, एसी भी चालू था, काफ़ी कूल था। मैंने झाँक कर सामने देखा, फिर मैं अपनी गाड़ी को ढूंढता हुआ गया तो मेरी गाड़ी सर्विस के लिए खड़ी थी, जिसके अंदर वो कूलेंट वगैरह इंजन वाला टॉप अप कर रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी को देखा, उनके उनको मालूम था कि मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने भी ना रोका ना टोका, कुछ कुशी ने भी ये नहीं कहा कि मैं कैमरे से रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ। फिर मेरी गाड़ी आ गई वॉशिंग पे, ये मेरा एग्जिट प्लस मॉडल है और लेफ्ट पे जो गाड़ी खड़ी है टाटा सवारी वो XM मॉडल है। 19 लाख की कॉस्ट पड़ती है उसकी, एक कस्टमर सर्विस के लिए आए हुए थे और ये एग्जिट प्लस मॉडल है। ये गाड़ी की वॉशिंग चल रही है, गाड़ी की कंडीशन ठीक है वॉशिंग करने की, तो मैं जहाँ भी चाहूँ ईजिली सर्विस स्टेशन में मूवमेंट कर रहा था। मुझे कोई इंजीनियर या कोई भी टेक्नीशियन या कोई वहाँ का इंचार्ज ने नहीं रोका, फ्रीली मूवमेंट मेरी होने दी, मैंने जो चाहा वो रिकॉर्ड किया, मुझे किसी ने ना रोका ना किसी ने टोका। तो ये देखकर मुझे अच्छा लगा, वरना तो क्या होता है कि सर्विस स्टेशन वाले मना कर देते हैं कि आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे अलाउ किया, लेकिन उन्होंने इंजीनियर ने मुझे एक बड़ा अच्छा ऑफर एक बताया उन्होंने मेरे को कि आपकी गाड़ी की जो नीचे जो पार्ट होते हैं उसके अंदर आप इसके अंदर एंटी रस्ट कोटिंग करा लीजिए, और आपका जो साइलेंसर है पूरा आयरन का होता है उसकी भी कोटिंग करा लीजिए, इंजन की कोटिंग करा लीजिए प्लास्टिक पार्ट्स की, और टेफलन कोटिंग करा लीजिए। ये उन्होंने मुझे पैकेज जो 10,000 रुपीज़ में ऑफर किया, 11,600 मांगे थे, लेकिन उसमें क्या है कि 10% मुझे डिस्काउंट ऑफर किया अनिल जी ने, तो 10,000 में मेरी डील हुई। तो मैंने ओके कर दिया क्योंकि गाड़ी काफ़ी कॉस्टली है और अभी जैसे बरसातें आने वाली हैं तो मैंने कोटिंग के लिए हाँ कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरी गाड़ी को लॉन्च में लगाया जहाँ पर ये कोटिंग करते हैं। पहले उन्होंने एंटी रस्ट कोटिंग के लिए मुझे बताया, मैंने कहा कि आप जो भी करेंगे मैं यहीं रहूँगा। उन्होंने मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं की और जितनी भी कोटिंग होनी है वो मेरी आंखों के सामने होनी है, मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करूँगा। तो किसी ने भी मुझे रिकॉर्डिंग करने से मना नहीं किया। ये देखिए इस तरह से गाड़ी को लिफ्ट कर देते हैं, ये नीचे की, मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी गाड़ी का नीचे के सारे पार्ट्स देखे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको भी अपनी गाड़ी की सेफ्टी करनी है तो आप भी ये कोटिंग वगैरह करा सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल है। मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मुझे कितनी कॉस्ट देनी पड़ी है। गाड़ी लिफ्ट हो रही है, गाड़ी का नीचे का मैंने पार्ट्स देखे हैं, सारे नीट एंड क्लीन थे। मेरी गाड़ी 1,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, लेकिन वॉशिंग के बाद नीचे के सारे पार्ट्स बिल्कुल क्लीन थे। गाड़ी लिफ्ट हो चुकी है, अब वो भैया यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसके अंदर एंटी रस्ट कोटिंग करेंगे। मैंने पहले भी गाड़ी खरीदी थी, एक वैगन आर या फोर्ड की इको स्पोर्ट, उसमें भी मैंने ये कोटिंग कराई थी ताकि बरसातों में हमारी गाड़ी में, ये देखिए इस तरह से ये पूरी गाड़ी के, अभी तो ये प्लास्टिक पार्ट्स को कर रहे हैं एंटी रस्ट कोटिंग, इस तरह से होती है ताकि मेरी बॉडी में कहीं पर भी रस्ट ना लगे, प्लास्टिक पार्ट्स भी ना खराब हों, क्योंकि जब बरसातों में गाड़ी चलाते हैं तो जब आयरन के ऊपर पानी लगता है तो उसमें रस्ट आ जाता है, और आपने बड़ी नॉर्मल ये प्रॉब्लम देखी होगी। तो ये एंटी रस्ट कोटिंग करते हुए बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट है, मैं बता दूंगा आपको। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं, और वो सारी बातें मेरे को ईजिली समझा रहे थे कि ये प्लास्टिक पार्ट है, सेफ रहेंगे लॉन्ग रन के लिए, अगर 10 से 12 साल 15 साल अपनी गाड़ी रखनी है तो ये कोटिंग आपको करानी चाहिए। इस कोटिंग होने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन ठीक लगा, सर्विस में जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी अभी तक तो ऐसी कोई मुझे दिक्कत आई नहीं थी टाटा का, क्योंकि मैं काफ़ी इस मामले में डरा हुआ था। तो आप भी देखिए ये पूरी कोटिंग इसकी कर रहे हैं, अभी इस गाड़ी को ये और लिफ्ट करेंगे। ये देखिए गाड़ी को लिफ्ट कर लिया है, अब हम दोनों इस गाड़ी के नीचे घुस जाएंगे। देखिए
और इजीली इसको हम कोटिंग करते हुए देखेंगे कि देखिए फ्रेंड्स, आप भी देखिए किस तरह से ये कोटिंग कर रहे हैं, स्प्रे मशीन से कर रहे हैं, एक एक पार्ट को बहुत माइन्यूटली ये स्प्रे से कवर कर रहे हैं। 22,50,000 रुपए की मैंने गाड़ी खरीदी है, अगर मैं इसमें थोड़े बहुत पैसे खर्च करके अपनी गाड़ी को रस्ट से बचा लेता हूं तो मुझे इसमें कोई बिग डील नज़र नहीं आई। मुझे लगा कि ये पैसे मुझे स्पेंट करने चाहिए, मैं एग्री हो गया। आप देखिए काफ़ी अच्छी तरह से भैया इसमें कर रहे हैं, अगर ख़त्म हो गया उनका ऑयल तो उन्होंने दोबारा फिल किया उसके अंदर, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं की उन्होंने, आराम से वो मेरी ये कोटिंग करते रहे जब तक कि मुझे और उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो गया। कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनका मेन मोटो था, मैंने जब थोड़ा और डालने को कहा तो उन्होंने वहाँ रिपीट किया और दोबारा से कोटिंग उन्होंने वहाँ पे की। अगर वो मना करते तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम दुख होता, लेकिन उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने मेरे सेटिस्फैक्शन लेवल को देखते हुए पूरी की पूरी उसमें कोटिंग की। अब ये इसके अंदर कोटिंग हो चुकी है, अब इस कोटिंग होने के बाद वो दूसरी कोटिंग करनी शुरू करेंगे मेरी गाड़ी में, वो भी मैं अपडेट दूँ आपका। ये देखिए ये गाड़ी के नीचे का मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि गाड़ी के नीचे साइलेंसर वगैरह या गाड़ी के जो चेजीज है या कैसे है। अब देखिए ये कर रहा है मेरे साइलेंसर को, ये है साइलेंसर एंटी रस्ट कोटिंग, इसके लिए कोई स्प्रे था तो उन्होंने पूरे साइलेंसर को कवर कर देंगे इस स्प्रे से, इस केमिकल से, ताकि पानी लगने के बाद मेरा ये जो साइलेंसर है इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मली प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, इस लोहे के अंदर जंग लग जाता है और फ्यूचर में प्रॉब्लम आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर भी मुझे ऐसी कोई नज़र नहीं आई, उन्होंने मेरे कहने के अनुसार ही काम किया और ठीक तसल्ली होने के बाद ही उन्होंने अगला काम शुरू किया। तो आप भी फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि आपकी गाड़ी कॉस्टली है, आपको भी एंटी रस्ट कोटिंग करा लेनी चाहिए। करा आप कहीं भी सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं खुद टाटा की सर्विसेज को पहले देख रहा हूँ। अब मैं करा रहा हूँ इंजन एंटी रस्ट कोटिंग। अब ये मेरे इंजन को उन्होंने उठा दिया उनका बोनट, और ये देखिए पूरी गाड़ी के प्लास्टिक पार्ट्स हैं, जो भी इंजन है उसको भी रस्ट से बच सके वो पूरी मेरी गाड़ी में अच्छी तरह से स्प्रे कर रहे हैं और कोटिंग कर रहे हैं। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था मैं, मुझे कोई ऐसे गिला शिकवा नहीं था टाटा से। जितने भी लोग वहाँ घूम रहे थे हर आदमी हेल्प करने को तैयार था, बल्कि मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैं इनके मैनेजर जाके भी मिला, उन्होंने भी मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी बाद में ऑफर किया। अब मैं शुरू कर रहा हूँ इसके ऊपर टेफ्लोन कोटिंग। टेफ्लोन कोटिंग है कि ये जो जितना पेंट होता है ये पेंट प्रोटेक्शन होता है, ताकि मेरी गाड़ी में क्या ये वाइट कलर की है, थोड़े दिनों में क्या होगा डस्ट लग के ये हो जाती है थोड़ी येलो कलर की, तो मैंने इस पे एंटी ये टेफ्लोन कोटिंग करा ली है, जिसके कारण कि मेरी गाड़ी के अंदर जितनी भी जो पीलापन आ जाता है वो ना आए और मेरा जो पेंट है छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा रहे, स्क्रैच ना पड़े। तो मैंने ये पेंट प्रोटेक्शन कोटिंग भी करानी ज़रूरी समझी और मैंने इसको ओके कर दिया है। और जब मैं आपको इसकी शॉप की कॉस्ट बताऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज कि काफ़ी नॉमिनल प्राइस थे, ज़्यादा उन्होंने मुझे काटने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्होंने मुझे फोर्स किया। तो मुझे लगा कि मेरी गाड़ी काफ़ी कॉस्टली है, मुझे कराना चाहिए। आप भी देखिए कि जहाँ जहाँ पे ये रबिंग कर रहा है, जहाँ जहाँ ये कोटिंग कर रहे हैं, थोड़ी शाइन तो मेरी गाड़ी में आ रही है, और जैसे जैसे ये शाइन मेरी गाड़ी में आ रही थी मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। ये और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई थी, ये पूरा लॉन्च है, कोई मना नहीं कर रहा था मुझे रिकॉर्डिंग करने से, सबको मालूम था कि ये भाई साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखिए छत को भी उन्होंने, जो मेरी सनरूफ है पैनारोमिक, उसको भी उन्होंने ठीक तरह से, ये मैंने कैमरा ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, उसको पूरी तरह से उन्होंने क्लीन किया या कोटिंग की है। आई डोंट नो, तो थोड़े समय के बाद मालूम पड़ेगा, बट मैं उनकी क्वालिटी को देख के ठीक था कि खुश था कि हाँ ये मेरी गाड़ी में जो कोटिंग कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम पे मुझे ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। ये है मेरी गाड़ी का आफ्टर कोटिंग होने के बाद। ये देखिए ये इसकी लुक है, शाइन तो मेरी गाड़ी में आ गई है, काफ़ी गाड़ी चमक रही है।
एंटी रस्ट ये हो गया है, गाड़ी पूरी मैंने घूम फिर के देखी है, तो गाड़ी में चमक तो इसमें आ गई है, फिर भी अंदर भी क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे। और ये सफारी का जो बैज है, और दोस्तों मैं आपसे बताऊंगा फ्रेंड्स, अब मैंने अपनी गाड़ी के अंदर सफारी लिखा हुआ बाहर आगे बोनट पे, वो मैंने बाहर से आउटसोर्स किया था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब ये टाटा खुद लगा के दे रहा है बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे, 450 रुपीज़ में। अब मेरी गाड़ी सर्विस हो चुकी है, कोटिंग पूरी हो चुकी है, ये अब मेरी गाड़ी को अपने आप ही लेके आ रहे हैं बाहर। मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी बाहर निकाल दो, तो उन्होंने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किया, वो अनिल कुमार जो सर्विस टेक्नीशियन जो मेरे साथ अटैच था वही मेरी गाड़ी को लेके आ रहा है। तो दोस्तों मुझे तो ठीक लगा, पहला मेरा एक्सपीरियंस था, मैं बहुत डरा हुआ था, ये मेरी गाड़ी बाहर आ चुकी है। मैं सामने इस बैच की बात कर रहा हूँ, ये है मिस्टर अनिल जो मेरे सर्विस इंचार्ज थे, इन्होंने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया। तो दोस्तों मैं बताता हूँ फाइनली कि हाउ मच आई हैव पेड फॉर दिस। आई हैव पेड ओनली 8700 रुपीज़ में मेरा सारा काम हो गया, जितनी भी कोटिंग मैंने कराई है, और फाइनली आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज ऑफ टाटा। जो मुझे अभी जो आज एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, बट फिर भी आई एम थैंकफुल टू टाटा मोटर्स जो उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है। देखिए काफ़ी उन्होंने कवर कर दिया है, गाड़ी बिल्कुल साफ लग रही है, क्लीन लग रही है, और सारी की सारी जो उन्होंने कोटिंग किया वो 8700 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ा, तो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस फॉर टाटा सर्विसेज, आपको अच्छा लगा हो आई होप, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग्स।